हेलो दोस्तों, बिहार छात्रवृत्ति योजना 2020 का एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। आप NSP पर जाके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे आवेदन करना है, सारा कुछ मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी लाऊँ आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल पे आपको लिखना है फास्ट जॉब सर्चर्स डॉट कॉम, आपको लिखना है। इससे आपको पता चलेगा एलिजिबिलिटी वगैरह क्या इसमें मांग रहा है। ये सर्च कीजिएगा तो आप नीचे की ओर जाइएगा, डाउन कीजिएगा, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे मैं ऊपर करा, देखिए यहाँ लिखा है ना NSP प्री पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म 2020 पे आप क्लिक कीजिएगा तो ये पेज ओपन होगा। और यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स लिखा है। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 16/8/2020, 16/8/2020 से एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो गया है। और एप्लीकेशन लास्ट चलने वाला 31/10/2020 तक। तो आपको इस दिनों के अंदर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर के जमा कर देना। उसके बाद डिफेक्टिव वेरिफिकेशन लास्ट डेट है 15/11/2020। और उसके बाद इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन लास्ट डेट है 15/11/2020। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बोल रहा है। देर इज नो एप्लीकेशन फीस चार्जेस, मतलब इसमें आपको 1 रुपया तक नहीं लगने वाला अगर आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह से करते हैं, स्कैनिंग करके करते हैं। लेकिन साइबर कैफे से लग करिएगा तो वहाँ पर पैसा तो लगेगा ही। मैं सजेस्ट करूँगा कि अपने लैपटॉप या मोबाइल से कीजिए। उसका ध्यान रखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए कह रहा है कि 50% मार्क्स आपको होना चाहिए और 1 लाख से ज़्यादा आपको फैमिली का जो इनकम है वो नहीं होना चाहिए। ये आपको 1 से 10 तक के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, तो ये आपको 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 50% मार्क्स कम से कम होना चाहिए, तभी जाके ये फॉर्म आपको भराएगा। और उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप यहाँ पे नीचे में मैं दिखाता हूँ। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ भी आपको 50% से मार्क्स जो है वो नीचे नहीं होना चाहिए। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए भी आपको 50% मार्क्स नीचे नहीं होना चाहिए, 50% रहना ही चाहिए। और यहाँ पर क्या कर रहा है कि देखिए दोस्तों कि 2 लाख एनुअल इनकम, यहाँ भी 2 लाख, वहाँ 1 लाख था, यहाँ पे 2 लाख कर रहा है कि 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये आप 11, 12 PG ग्रेजुएशन वगैरह सब यहाँ भर सकते हैं, IIT पॉलिटेक्निक्स वगैरह सब, कम से कम 50% मार्क्स रहना चाहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, मेरिट कम मीन्स MCM स्कॉलरशिप, MCM स्कॉलरशिप के लिए भी 2.5 लाख रुपये फैमिली इनकम ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 50% मार्क्स आपको होना चाहिए। अगर आप टेक्निकल कोर्स वगैरह में आप एडमिशन लेते हैं तो अल्पसंख्यक के लिए यहाँ पे भी 2.5 लाख से कम इनकम होना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको छात्रवृत्ति मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या सब लगेगा, सारा डिटेल आपको यहाँ पर दिया गया, स्टूडेंट फ़ोटो से लेकर क्या क्या लगेगा सब यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मैं नीचे कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, आप क्या कीजिएगा, क्लिक हियर पर अप्लाई ऑनलाइन कीजिएगा। और वहाँ से जो ID वगैरह मिलेगा, यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन पर जाके आप क्लिक हियर कीजिएगा तो आपको क्या होगा, यहाँ से आपको फॉर्म वगैरह फिलअप करना पड़ेगा, कर दीजिएगा। देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का, यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन ID दे दीजिएगा और नीचे पासवर्ड दे दीजिएगा, कैप्चा भर दीजिएगा और लॉगिन करके आप सारे डिटेल्स यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई फॉर रिन्यूअल, रिन्यूअल जो पिछली बार भी अप्लाई किए हुए थे वो यहाँ से क्लिक हियर करके रिन्यूअल कर सकते हैं। और नीचे डाउनलोड नोटिफिकेशन है, पोस्ट मैट्रिक वगैरह क्या क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा ये PDF में आपको बता देगा, तो रिन्यूअल भी आप वहाँ से कर सकते हैं। और नीचे डाउनलोड नोटिफिकेशन प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक का है, वो भी आप कर सकते हैं। और यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक दिया गया है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। तो यही जानकारी मैं आप लोग के लिए लाया था। वीडियो अच्छा लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।